आपने नाम और परिचय बताएं। आज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है? अभी तो हम आए हैं, पुस्तक देख रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि टैक्स में वृद्धि की गई है जो मानक के विपरीत है। नगर पालिका से जो एग्रीमेंट किया गया था दुकान लेते समय, उसी एग्रीमेंट पर नगर पालिका कायम रहे, और वृद्धि भी अगर करना है तो उसके न्यूनतम परसेंटेज तय रहे। किस तरह का व्यापारियों का समस्या का निदान किया जाएगा? व्यापारियों की समस्या के निदान के लिए यहाँ बोर्ड गठित है। माननीय SDM साहब हैं, सम्मानित चेयरमैन साहब हैं, बोर्ड है। बोर्ड को व्यापारियों के हित में विचार करना चाहिए, और सरकार की मंशा नगर का विकास, व्यापारियों की सुरक्षा, कटरे की व्यवस्था, वहाँ पेयजल, बिजली और जो भी सुविधाएं प्रोवाइड कराना चाहिए व्यापारियों को, नगर पालिका को व्यापारियों को सुविधा प्रोवाइड करें, व्यापारी अपना व्यापार करें। व्यापारी तो जो टैक्स रहता है उसको देते ही हैं, लेकिन टैक्स का जो मानक है और टैक्स की जो सीमाएं हैं वो उसी सीमा में रहना चाहिए। अनावश्यक टैक्स व्यापारियों पर न लादा जाए। व्यापारी को ये भी कहना, अगर मांगे अगर पूरी नहीं तो इससे ज़्यादा विशाल धरना प्रदर्शन, इस पर क्या कहेंगे आप? ये इनका मौलिक अधिकार है। व्यापारी अपनी शालीनता से बात कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी व्यापारियों की बात मान लेंगे, धरना प्रदर्शन की नौबत नहीं आएगी।